अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर है 12। जो टॉपिक है हमारा वो है सीक्वेंसिंग। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग एंड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस में लिखना नंबर्स को क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं नंबर्स सीक्वेंसिंग नंबर्स हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी भी नंबर को, या किसी भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश में हो या हरूफ तहजी हो या ये नंबर्स हो मैथ के, इसको सीक्वेंस में लिखना, तरतीब देना, तरतीब में लिखना। चाहे वो आप बैकवर्ड काउंटिंग लिखो, उल्टी गिनती लिखें या सीधी लिखें, तो उसको तरतीब में लिखना कि एक नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, या छोटे से बड़े नंबर्स लिखना यानी स्मॉलर टू ग्रेटर और ग्रेटर टू स्मॉलर। तो सीक्वेंस में लिखने को, तरतीब में लिखने को सीक्वेंसिंग नंबर्स कहते हैं। ये जैसे कि राइट में मैं नंबर्स में आपको ये पढ़ के बताती हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4 आप ऐसे ही नंबर्स पढ़ते हैं, ऐसे ही काउंटिंग पढ़ते हैं, तो ये सीक्वेंसिंग नंबर्स हैं यानी तरतीब से लिखे हुए नंबर्स। जो आगे पीछे होंगे उनको सीक्वेंसिंग नंबर्स नहीं कहा जाता, सीक्वेंसिंग नंबर्स को कहते हैं तरतीब से लिखी हुई जो गिनती होती है काउंटिंग, उसको कहते हैं सीक्वेंसिंग नंबर्स। जैसे कि 1 to 25 लिखी हुई है काउंटिंग, ये है सीक्वेंस में लिखी हुई है, यानी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, ये 1 to 25 सीक्वेंस में लिखे हुए नंबर्स। नाउ ओपन योर बुक मैथमेटिक्स, पेज नंबर है 40। ये देखें, यहाँ भी टॉपिक है सीक्वेंसिंग का। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी छोटे से बड़े नंबर्स लिखने हैं, छोटे से बड़े की तरफ आना है और सीक्वेंस में लिखने हैं। तो ये पहले जो लिखे हुए नंबर्स वो हैं 2, 40, 91, 82, 73। इन नंबर्स को हमने सीक्वेंस में राइट करना है, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी हमने इन नंबर्स को बड़े से छोटे की तरफ लेके जाने। पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये देखें, ये मैंने राइट किए हुए नंबर्स, इसी तरह आपने भी राइट करने हैं। जैसे देखें, पहला पॉइंट जो था अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे पहले 2 राइट करूँगी, 2 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 73, 73 के बाद 82, 82 के बाद 91। ठीक है, ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ये मैंने नहीं किया कि पहले 73 लिख दिया है फिर 14 या 2, मतलब 2 के बाद काउंटिंग में क्या आएगा, 14 के बाद क्या आएगा, 82 तो नहीं आएगा, 73 आएगा, 73 के बाद 80 की लाइन आएगी, ठीक है, 80 के बाद 90 की लाइन आएगी। इसी तरह मैंने इनको अरेंज करके राइट किया हुआ है। सेकंड पॉइंट भी हमारा इसी तरह है, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी बड़े से छोटा, इनको भी मैंने सीक्वेंस में राइट किया हुआ है। इसी तरह आपने भी राइट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।